अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं जैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये मेरे पास एक मॉनिटर की स्क्रीन है छोटी, तो ये टीवी भी बिल्कुल एलसीडी है, इसमें आप जो भी चाहें देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें पावर नहीं आ रही, ठीक है। तो फॉल्ट जो है वो इसकी पावर सप्लाई में है, ये इसकी पावर सप्लाई जो है ये ख़राब है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट है, 4.16 एम्पीयर है, ठीक है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई, तो फॉल्ट इसमें है, ठीक है, इसकी सप्लाई में है, ठीक है। सप्लाई बाहर है और ये मदरबोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, सप्लाई को, सप्लाई में फॉल्ट है, देखते हैं, फिर इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जी ये इसकी पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक है, ये इसकी सप्लाई है। तो ये आउटपुट है इसका, 12 वोल्ट आउटपुट है यहाँ पे, 12 वोल्ट, और यहाँ पे ये इसके 220 हैं। तो हम इसको तो रिमूव कर लिया, अब इसकी केबल भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि आउटपुट 12 वोल्ट, समटाइम ये इसकी तार जो है वो डैमेज हो जाती है, तो फिर भी वो ये वोल्ट आउटपुट या वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी ग्राउंड मैंने ली, यहाँ से हम इसको पहले केबल चेक कर लेते हैं। ओके, अब इसकी पॉजिटिव साइड, ओके, यानी कि हमारी जो ये जो केबल है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं देने लगा हूँ इसको पावर, ये मैंने इसको पावर दे दी है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, पहले सबसे पहले चेक करेंगे एसी वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हम एसी वोल्ट चेक करेंगे, 220 हम, ये इसके 220 हैं, ये दो के, सॉरी, ये इसके 220 हैं, ठीक है, ये बिल्कुल 220 बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। उसके बाद हमें ये 220 मिलने चाहिए इन दो पॉइंट पे, यहाँ पे एक छोटी कॉइल लगी है, तो वहाँ से वोल्ट हमें फिर यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ से वोल्ट 220 हमें वोल्ट मिल ही नहीं, यहाँ पे मेन 220 आ रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे 220 नहीं मिल रहे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉल्ट जो है वो, अगर यहाँ पे चेक करें तो नहीं, यानी कि एक ये फ्यूज भी, ओके, तो हमारे 220 जो है वो वोल्ट, पहले 220 हमारे वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे 220 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से फ्यूज़ के आगे जो वोल्ट मिलने चाहिए, फ्यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से आगे वोल्ट नहीं मिल रहे। तो अगर हमें वोल्ट नहीं मिल रहे तो फिर हम इसको, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है, यहाँ से ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ भी ठीक है, यहाँ से ये फ्यूज़ भी ठीक है। तो फिर आगे वोल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अभी नज़र पड़ी है मेरी, आपको दिखा देता हूँ कि वोल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे। समटाइम ऐसा होता है जब हम बार बार इस केबल को हलाते हैं आगे लेफ़्ट राइट या अप डाउन करते रहते हैं, तो ये अंदर से ये प्रिंट टूट जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंट, ये तो है, ये भी ऊपर थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन ये प्रिंट टूटा हुआ है इसका, ठीक है। अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये डैमेज है, ठीक है, ये टूटा हुआ प्रिंट, ये डिसकनेक्ट हो चुका है, ठीक है, इससे, जिसकी वजह से हमें वोल्ट नहीं, आगे वोल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है, तो हम इसको
रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ से इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा रिसोल्ड कर देते हैं। मर ये प्रिंट है ठीक है, लेकिन फिर भी त्यातन थोड़ा इसको भी कर देंगे और इन दोनों को हम रिसोल्ड कर देंगे। रिसोल्ड करने से हमारा जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। ये लगा दिया, अब हम इसके वोल्ट दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया, अब इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसको दोबारा से पावर दे दी। सबसे पहले इसके 220 चेक करेंगे, 220 यहाँ पे हमें मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 220 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके 12 वोल्ट आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो देख सकते हैं 12.7 यानी ठीक है, वोल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं हमें। अब हमारा सेट जो है सप्लाई वाला, सप्लाई का प्रॉब्लम था, वो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये बार बार जब हम इसको हलाते हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जब इसको करते हैं, बार बार इसको इन आउट करते रहते हैं, तो इस वजह से ये वो प्रिंट जो है वो टूट चुका था। टूटने की वजह से ये सारा मसला हुआ था। तो चलो मैं इसको दोबारा से मैं बंद कर लेता हूँ, बंद करके फिर इसको चेक करते हैं। ये इसका सप्लाई मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इसको पावर दे दी। तो इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये स्टैंड बाई का बटन है, इस वक्त सेट इस वक्त ऑन हो चुका है। ठीक है, सेट इस वक्त हमारा ऑन हो चुका है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो अडाप्टर जो है इसका वो ख़राब था, इस वजह से मैं ये फॉल्ट आ रहा था। ठीक है, अब ये अडाप्टर भी ओके ओके हो चुका है, सेट भी हमारा